गुस्सा तो इंसान को आता है वैसे ही. आप अपने आप को पर्सनली हाउ डू यू ट्रेन योरसेल्फ? यार पहले हम ट्रेडमिल करते हैं, फिर हम उसके बाद वर्कआउट मतलब जिम जाते हैं और वहाँ पे वेट्स उठाते हैं. मतलब ये किससे गुस्सा यहाँ निकालते हैं? 24 घंटे यही करते हैं. नहीं नहीं, अगर ट्रेनिंग दूसरी बात कर रहा हूँ. ट्रेन का मतलब ये है कि अपने 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 अपनी नफ्स को, अपने उसको, सोल को, हाउ डू यू, किस तरह जब ये तरह के नेगेटिव इमोशंस आते हैं इंसान की जिंदगी में, तो आप किस तरह उसको काबू करते हैं? क्योंकि पीपल वुड लाइक टू नो योर साइड. क्या आप दो तीन चीजें हैं मोशन. नंबर वन इज मैं हर टाइम जल्दी तो नहीं मचा रहा. जल्दी 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 करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी लो, जल्दी जाना है जल्दी. तो हर टाइम ये जो आप ना एक टेम्परामेंट लॉग बना लें अपने पास, एंड यू नोटिस कि आपने आज दिन में कितनी दफा बोला है जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, फौरन, ठीक है. दूसरा, आप इम्पल्स बाइंग तो नहीं करते. जो शख्स इम्पल्स बाइंग करता है ना, कोई दराज पे कुछ चीज देखी, सेल लगी हुई है, काला जुमा, पीला जुमा, नीला जुमा लगा हुआ है, ठीक है, आपने चीजें खरीद ली, मंगवा ली, आप शॉपिंग करने गए थे आलू लेने के लिए, आप जाके नाइकी और लाने की चीजें ले आए, ठीक है. अच्छा, आप आलू भूल गए, आप आलू भूल गए. अपनी मिसाल दे रहे तो यार नहीं, आप पहनते ना. नहीं, लाने तो है ना, वो एक मैंने मिसाल दी है कि ब्रांड लेके आ गए और आप आलू लेना भूल गए. यार वैसे बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ये इम्पल्स बाइंग भी ना हो और एक्सट्रीम लेजी भी ना आप हो जाएं कि आप वक्त पे पहुंचे भी ना. और ऐसा भी मैंने देखा है कि आप किसी से गुस्सा हो, आप बाहर गाड़ी लेके निकले और लिवाइज की ये मुझे मेरे दोनों चल लिए थे वाकई बता रहा है. अच्छा यार, मेरा एक इशू हुआ था. खैर, लेट्स नॉट गो इनटू दैट. लेकिन आप बाहर निकले और जाके आप शॉपिंग कर रहे हैं ना. यार शॉपिंग थेरेप्यूटिक होती है भाई, उससे गुस्सा कम होता है. क्या हो गया उनके साथ? हुआ उनके साथ, यानी फड्डा हुआ. अच्छा. मैं गाड़ी लेके निकल गया और मैं लिवाइज की मैंने एक्सपेंसिव जींस परचेज करना शुरू कर दी. मतलब उस पे उस मैं ये अच्छी एग्जांपल है कि उस टाइम नफ्स पे काबू नहीं था बिल्कुल. सही बात, ठीक है. अच्छा, ये एग्जांपल अच्छी है कि आप उस जगह को इग्नोर करें, उससे कहीं दूर चले जाएं. गो टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है. लीव द सिचुएशन. ये तो दिस इज फ्रॉम सुनना ना, दिस इज फ्रॉम सुनना. आप खड़े हैं, बैठ जाएं, बैठे हैं, लेट जाएं, वजू कर लें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें. अच्छा, लुक योरसेल्फ इन द मिरर कि मैं कैसे लग रहा हूँ. सेल्फी कैमरा खोले फौरन से कि मैं कैसे लग रहा हूँ देखते हुए, ठीक है. तो ये चीज कभी कभी ना, अगर मेरा और वाइफ का कभी कोई बात होने लगे ना, कोई एग्री ना कर रहे हो, मैं फौरन से कैमरा खोलता हूँ और मैं उनकी वीडियो उनको हंसी आ जाती है. कितना कितना स्पाउसेस के दरमियान ये बड़ा मसला है कि हस्बैंड वाइफ में बहुत लड़ाइयां होती हैं और बच्चे सफर करते हैं. हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह माय वाइफ हैज अ वेरी गुड अखलाक. लेकिन जस्ट कि मैं ना ये इसको ना एक ब्रेक देने के लिए, सर्किट को ना एक सर्कल को कट करने के लिए, और फिर वो बाद में उनको हम देख के कटे हंसते हैं कि यार ये देखे कितना फिट था. अच्छा खैर, हम उस पर आते हैं कि बच्चों को अखलाक कैसे सिखाना है, पेशेंस कैसे सिखाना है. और दूसरी बात यह है कि किस तरह से अगर कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है उसको इग्नोर करना है, ठीक है. लेकिन पहले हम इस चीज से आ जाते हैं कि प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शंस क्या हैं गुस्से को काबू करने की, अच्छा अखलाक इख्तियार करने की. ये तो अभी आप मेंशन कर रहे थे ना कि जब आप गुस्से वाली सिचुएशन में आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, और बैठे हैं तो लेट जाने का भी इरशाद है ना, यू नो, और पानी पी लेना और औजु बिल्लाह पढ़ना, वजू करना. दो शख्स एक दफा लड़ रहे थे जी जी, और ऊंची आवाज में बोल रहे थे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे एक ऐसा कलिमा पता है, अगर इनमें से कोई पढ़ ले तो शैतान उसको छोड़ के चला जाएगा. जो शैतान बने आग से ना, जिन्नात शयातीन आग से बने. और पानी पीने के जो हिकमत है ना, वो ये है कि आग, पानी आग को बचाती है. अच्छा, आइडियल इज वजू कर लेना, ये शावर के नीचे खड़े गुसल कर लें और वजू भी कर लें, बड़ा बेहतरीन हो जाता है इंसान को. और उस सिचुएशन को ना आप निकल जाओ उससे. आप ये कर लें, मैंने बोलना नहीं है, जो मर्जी हो जाए ना, आई विल नॉट स्पीक, बाद में मैं कभी बात करूंगा. अच्छा, ये जो ना कि इमीडिएट रिस्पॉन्स करना, मैंने इस बात का जवाब अभी देना है, इसको इग्नोर करना क्या है, मैं कुछ देर बात करूंगा. क्योंकि हदीस में क्या आता है, मा शयइन अस्कलु फिल मिज़ान अल मुमिन यौम अल क़ियामति मिन हुस्न अल खुलुक. कि क़यामत के दिन मोमिन के जो क्योंकि काउंटिंग नहीं होगी उस दिन, यानी कि नमाज से तो काउंटिंग होगी, अमाल की काउंटिंग, असल जो इनका तोला जाएगा, वजन किया जाएगा. हाँ, अमाल का वजन, चाहे इतनी सी ही नेकी हो रहा है कि उसका वजन सोने से या वजन उसका बहुत भारी हो, ओहद पहाड़ के बराबर हो, दिस विल काउंट. और चाहे पूरी यू नो एक समंदर की झाग के बराबर अमाल, उनका फायदा नहीं होगा. तो वेट्स मैटर ऑन दैट डे. अल्लाह ने फरमाया कि सबसे भारी चीज जो क़यामत के दिन होगी इंसान की पलड़े में, उसका अखलाक है. बेशक, अल्लाह बेशक.
चाहे थोड़ा है जितना भी है सबसे भारी है। और फिर फरमाया इन अल्लाह तआला ला यानी यबगज़ु अल्फाहिश अल्बज़ी, अल्लाह ताला नफरत करता है शेमलेस इंसान से और फाउल लैंग्वेज बोलने वाले इंसान से, यानी जो बात बात पे गाली देता है, बात बात पे कहता है बुरा भला कहता है किसी को, तुम ऐसे हो तुम वैसे हो तुम्हें मतलब कोई गाली दे दी। मुनाफिकत की चार अलामतों में से है ना ये वल्गर लैंग्वेज भी यूज करना। एग्जैक्टली, तो जब भी से गुस्सा आता है मुनाफिकी ये है, ऑफ वल्लाही इफ वी नीड टू रियलाइज के जब भी मुझे गुस्सा आता है मेरे मुंह से गाली निकलती है, चाहे जितनी चाहे बड़ी बड़ी गाली भी ना हो चाहे छोटी गाली, क्या मुझसे गाली निकलती है माँ बहन की या किसी भी तरह की। यार इसको जरा आजकल के दौर से रिलेट करें, रिलेट करते हैं, लेट्स मेक इट लेट्स मेक कन्वर्सेशन अ लिटिल डिफरेंट। गाली ना निकालने लगी नहीं नहीं ये आजकल कूल नहीं बन गया, एक कूल फैक्टर नहीं ऐड करता आपकी बात में कि अगर आपके एक हाथ में सिगरेट है और आप की फाउल लैंग्वेज है और ये कूल फैक्टर रोस्टिंग आप करते हैं आप दूसरों को ना इंसल्ट करना, आप ना अपनी बाद में वजन पैदा करने के लिए गाली दे रहे हैं लोग। हां कॉन्फिडेंस की एक वो मैं अपने पर्सनल एक अगर एक एग्जांपल शेयर करूं क्योंकि 2011 से पहले ना आई मैं हूँ पंजाब साइड से, तो आई यूज टू लर्न द डर्टीएस्ट गालियां फ्रॉम माय गांव और मैं आगे स्कूल में जो मेरे सारे मम्मी डैडी स्कूल वाले थे उनको मैं रिस्पेक्ट गेन करने के लिए मैं उनको मारता था उनको मैं ऐसी गालियां देता था अल्लाह माफ करे। ऐसा कि यार ये तो बड़ा बदमाश है। जब 2011 में मैंने पहला जब इस्लामिक प्रॉपर जो ऐसा लेक्चर सुना जो मेरे मुझे हिट हुआ ना सऊदी अरब की बात है, तो वो लेक्चर था लैंग्वेज को कंट्रोल करने के ऊपर, जुबान यानी कि जुबान की हिफाजत फाउल लैंग्वेज के ऊपर था और उसमें बैक बाइटिंग और सब चीजें शामिल थी। एंड वल्लाही उसके बाद से मैंने अपनी उसके ऊपर इतना कंट्रोल किया और मेरा इस्लाम के अंदर फर्स्ट स्टेप गेटिंग इनटू इस्लाम प्रैक्टिसिंग इस्लाम वाज टू मेक श्योर कि मेरी जुबान से ना तो बुराई हो ना तो किसी की बैक बाइट हो ना किसी को गालियां दें। तो उसकी वजह से मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा हेल्प मिली है।